हेलो गाइस, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अन्नपूर्णा रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे के हलवा। ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है और व्रत में भी खाया जाता है गाइस। इसको बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं और देखिए इसके लिए क्या क्या है। ये सिंघाड़े का आटा है 1 कप और देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, नारियल है और ये बादाम काजू चिरौंजी है और ये चीनी है। अब हम बनाते हैं हलवा। आटे को पहले हम थोड़े से देसी घी में भून लेंगे। आटे को हमेशा, कोई भी हलवा है आप उसको धीमी आंच पे भूनेंगे तो उसका फ्लेवर और अच्छा आ जाता है, क्योंकि धीमी आंच पे कोई भी चीज़ पकती है तो वो और भी स्वादिष्ट बनती है। अब हम इसी घी में आटे को भून लेंगे धीमी आंच में। उनको जब तक ये हल्का सा गुलाबी नहीं दिखने लगेगा आटा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए ये भून गया है आटा। अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका हलवा बनाएंगे। नहीं तो इसमें क्या वो रहता है गाइस कि इसमें बहुत जल्दी गुलटियाँ पड़ने लग जाती हैं, लम्स बहुत जल्दी पड़ने लग जाता है, इसलिए ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा करके जम जाता है तो आप इसको पतली पतली बर्फी के साइज में काट के इसको हम इसको निकाल लेंगे। देखिए गाइस, मैंने पानी पहले ही से ही खोलने के लिए रख दिया था, पानी हो चुका है। अब हम इसमें ये शक्कर डाल देंगे, चीनी। इसी में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल देंगे। बहुत ही जल्दी सेट होता है, इसको तुरंत ही चलाना रहेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा थिकी होने लग गया है ये। इसको अच्छे से सेट होने के लिए और इसी समय हम थोड़े से नारियल डाल देंगे। आप अपने अनुसार चीनी ले सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसा आपको मीठा पसंद है। वैसे तो हलवा मीठा ही होना चाहिए तभी और अच्छा लगेगा। हल्का टैप कर देंगे ताकि ये सारा जो है अच्छे से उस पर बैठ चिपक जाए। अभी ये थोड़ा गर्म है इसलिए गाइस ये नहीं कटेगा, थोड़ा ठंडा हो जाने पे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको किसी प्लेट से ढक के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए गाइस, ये हलवा जो हम लोगों ने सिंघाड़े का बनाया था उसको आप ऐसे बर्फी, ये सेट हो चुका है अभी। अब हम उसको ऐसे काट लेंगे। इस प्लेट में कोई तेले लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही साइडों से निकल जाता है। देखिए कितने आसानी से कट जा रहा है।
देखिए गाइस, हमारे सिंगाड़े के आटे की बर्फी या हलवा बन के रेडी हो गया है। और अब आप इसको घर पे बनाइए और टेस्ट करिए कि ये कैसा बना है। बहुत ही अच्छा भी डिलीशियस बनता है, जो मीठे पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। और ज़्यादा इसमें घी भी नहीं लगता। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए गाइस कि आपको सिंगाड़े का आटा हलवा कैसा लगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सब्सक्राइब भी गाइस ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़ गाइस। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय गाइस।